तो मेरा काम क्या है कि मैंने यहाँ पे यूजर फॉर्म बनाया हुआ है। अब यूजर जी फॉर्म में प्ले करूँ और मैं यहाँ पे अगर पूजा टाइप किया, टाइप करके सर्च पे क्लिक किया, तो ये जो सीट डेटा शीट है इसमें से जितने पूजा के रिकॉर्ड्स है ना सर, वो जी सारे पूजा के रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ जाना अच्छा चाहिए। ठीक है, पहला काम। इसमें तो एक काम और करना है, फिलहाल हम यहीं पे करते हैं, इतना ही काम पहले करते हैं कि रिकॉर्ड सारे आ जाने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा में टेबल कितने कितने हैं। 8 टेबल है, राइट? 8 है जी ना। तो हम लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके इसकी जो कॉलम काउंट है, कॉलम काउंट यहाँ पे इसको कर देते हैं 8। ठीक है, जी कॉलम हेड्स में यस कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, ताकि ऊपर हेड्स है दिखे। अब हम यहाँ पे ये हो गया हमारा, अब डेटा लाना है, तो बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं डिम डीटी, और डीटी में हम क्योंकि एरे देना है तो यहाँ पे हम कर देते हैं 1 to 1000, एक संभावित रो ले लीजिए, समझे? यहाँ पे ऑटोमेट हम नहीं कर सकते, 1 to 8 हमने एक एरर ले लिया, इसमें 1000 क्या है, रोज है और 8 कॉलम्स है। फिर यहाँ यहाँ पे ये अरे से ही इसको फिल कर सकते हैं, कोई और तरीका भी है? मतलब अरे तो थोड़ा एडवांस का हो गया टॉपिक, नहीं, एरे से कर तो सकते जो हैं क्योंकि हमें, अच्छा अगर हमें लिस्ट लेना होता, पूरी पूरी डेटा लेना होता तो हम एड्रेस दे देते या फिर जो लूप का यूज हम, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि हमें रो एंड कॉलम की पूरी कॉम्बो लिस्ट चाहिए, वो भी कंडीशंस के साथ, तो एरे यूज करना। ओके ओके तो एरे में हमने 4i1 = हमने किया रेंज a65000 डॉट। हम एरे को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर, हमने यहाँ पे एरे दे दिया जिसमें हमने रो एंड कॉलम डिफाइन, 1000 रो ओके और 1000, तो एक टेबल बन गया। बैकएंड में क्या हुआ, एक टेबल बन गया इस तरह से जिसमें 8 कॉलन हो गए और 1000 रो हो गया सर, सिंपल सा। और हम उसके अच्छा इसको 1 2 3 गिनेंगे, इसको 1 2 3 गिनेंगे। अब 1 1 करना है तो इसमें 1 2, इसमें 2 2 3 करना है तो 2 रो और 3 कॉलन इसमें आएगा डेटा, इस तरह से यूज करेंगे। ओके तो यहां पे हमने लिखा डॉट एंड, डॉट एंड, और इसमें हमने दे दिया एक्सेलेस अप और हमने बोल दिया रो। फिर नेक्स्ट आई, उसके बाद कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, जे यहाँ पे जी 4j = चले 1 to 8, ये तो फिक्स है हमारा कॉलम। नेक्स्ट जे, ठीक है। अब यहाँ पे डी टी, अब यहाँ इफ कंडीशन रहेगा, डी टी नहीं, इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन से पहले यहाँ पे, यहाँ ऊपर इफ कंडीशन रहेगा कि इफ इफ, अब यहाँ पे हम दे देते हैं सेल्स आई रो एंड 2 कॉलम, 2 कॉलम से, क्योंकि हमारा नेम जो है दूसरे कॉलम में है ना, नेम ही मैच करना है ना आपको सर। डॉट वैल्यू = मी डॉट टेक्स वर्क्स 1 डॉट वैल्यू दैट, ठीक है। अब यहां पे मुझे एक वेरिएबल देना पड़ेगा डिम आर एज ए लॉन्ग, क्योंकि आई हम नहीं दे सकते क्योंकि आई तो हो सकता है स्किप होगा ना, तो यहाँ पे हम कर देते हैं r = r+1 पहला, और यहाँ लिखते हैं डी टी, इसमें रो हो जाएगा आर और कॉलम हो जाएगा जे इक्वल टू सेल्स i, j. वैल्यू, ठीक है सर। ये थोड़ा समझ में नहीं आया। यहां हमने बोला कि
ए आर नंबर रो ए आर हो जाएगा रो, आर वन प्लस वन हो गया तो ए हो जाएगा वन हो गया, ठीक है सर। तो पहला नंबर वन एंड पहला नंबर जीरो, क्योंकि एरे जो है तो हम डी टी हमने एरे यूज किया तो उसमें जानते हैं ना आपको रो एंड कॉलम देते हैं, तो ये उस रो और उस कॉलम में उस सेल्स का डेटा उठा लो जिसका नेम जो है जिसका नेम लिस्ट बॉक्स के लिस्ट टेक्स्ट बॉक्स के बराबर है। सिंपल सा हमने यहाँ पे मेथड डाला और कुछ नहीं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम एंड इफ करते हैं। देखिए हमने क्या किया हुआ है कि हम लूप चला रहे हैं, लूप चलाने से पहले हम जो रो का लूप चल रहा है फोर जो है लो का लूप चला रहा है और जे जो है कॉलम का लूप चला रहा है, तो कॉलम वो तभी चलेगा जब उसके उसको वहां पे नेम पूजा मिलेगा, जो नेम हमने सिलेक्ट किया वो मिलेगा, ठीक है। जैसे नेम मिलता है आर की वैल्यू को थोड़ी सी इंक्रीज कर दे, ठीक है। आर को इंक्रीज करने के बाद फिर यहाँ पे क्या करे डी टी पे वो स्टोर कर दे वन बाय वन। तो सपोज ये है, वो आई नहीं दे सकता क्योंकि आई जैसे मान लीजिए पहले मान लो पूजा हमने सर्च किया था, पूजा यहाँ मिला तो आई टू हो गया, अगली बार जब पूजा मिलेगा वो कहाँ मिलेगा 14 पे। तो अगर आप इसमें आर नहीं लेते हैं तो फिर आपके आपके इसमें लिस्ट बॉक्स में भी इतना गैप दिख जाएगा, ओके ठीक है सर। इसलिए हमने आर को लिया। अब अभी जो सेकंड बार पूजा 14 पे मिल रहा है तो सेकंड बार 14 पे पूजा मिल रहा है तो ये जो आर फिर आर वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो दूसरे नंबर रो में उसकी कॉलम पे हम आई, अब ये आई 14 ही उठाएगा, डेटा 14 से उठाएगा लेकिन लूप में जो डालेगा वो दो में डालेगा। अच्छा समझ आ गया, समझ गए जी। और फिर लास्ट में मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट इक्वल टू डीटी, ठीक है जी। अब मैं इसको एक बार प्ले करता हूँ, इसको रिजर्व फॉर्म को प्ले किया, प्ले करने के बाद हम यहाँ पे डालते हैं नाम पूजा ही डाल देते हैं मान लीजिए पूजा, सर्च किया दिख गया सर जी। अब इसमें एक चीज नहीं है, इसमें हेडिंग नहीं आ रहा है जी, पहला चीज हेडिंग नहीं आ रहा है और दूसरा कॉलम की साइज थोड़ा ज्यादा है, तो कॉलम की साइज कम करने के लिए यहाँ पे कॉलम विड्थ है ना जी, पिछला बार मैंने 20 किया था, मैं 20 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो हम अच्छा तो कॉलम हेड तो ट्रू दिया है ना हम लोग, तो फिर नहीं आया वो हेडिंग के ऊपर ये हेडिंग लाइनिंग देने के लिए ट्रू होता है, ठीक है ना, कॉलम विड्थ से डेटा थोड़ी आएगा आपका, ये ओके लाइनिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज हो गया, हेडिंग के लिए आपको कोडिंग के अंदर ही देना पड़ेगा, तो अब कोडिंग के अंदर हमें यहाँ इस पे नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कोडिंग के जरिए पहले से बाय डिफॉल्ट इस पे लिस्ट ऐड रहे। तो अगर मैं इनिशियलाइज में डालूं तो क्या होगा, मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है सर जी। नहीं इसी के अंदर डाल देता हूँ, ये जो है डी टी है ना, जो डी टी है लूप से पहले डाल देता हूँ, आर इक्वल टू यहाँ वन कर देता हूँ, लूप लगा देता हूँ फोर, के इक्वल टू चले 1 2 8 और यहाँ पे नेक्स्ट के और यहाँ पे हमने कर दिया टी टी आर कॉमा इक्वल टू सेल्स वन रो और के कॉलम डॉट, ठीक है सर। ये हमने उसकी सारी हेडिंग्स डाल, अब देखते हैं
यहाँ पे हम पूजा को लिखते सर्च करते हैं, आ गया सर। लेकिन अभी भी काम कॉलम की विड्थ बहुत ज्यादा है, 20 नहीं होना चाहिए, इसमें 20 के जगह कॉलम विड्थ को हम यहाँ पे दे देते हैं 10 दे देते हैं। ये कॉलम विड्थ को भी इसमें कोडिंग में कर सकते हैं ना उसका। कर सकते ये, अच्छा ये। अब सही अभी गायब हो गया हेडिंग, क्या हो गया? नहीं है ना, हेडिंग बाहर ऊपर आ गया, जो है वो बॉर्डर के बाहर आ गया पर, है ना? ये वो इस ऊपर के, यहाँ इसमें कॉलम बॉर्डर भी हो सकता है, कंट्रोल सोर्स कंट्रोल कॉलम है ना, हमने ट्रू कर दिया, अगर ट्रू की जगह पे इसको फॉल्स कर देते हैं, और यहाँ पे 25th कंट्रोल सोर्स इफ नंबर फॉन्ट एट लॉक प्लेसमेंट मल्टी सेलेक्ट क्लोज सोर्स स्पेशल इफेक्ट टेक्स्ट टैग स्पेशल इफेक्ट क्या है, फ्लैट कर देंगे तो ये चाहिए, इसकी साइजिंग के लिए इस पे लाइनिंग हट गई, जो अंदर से धसा हुआ था वो हट गया, हाइट सही है, विड्थ सही है, फॉन्ट कलर थोमा कॉलम बाउंड कॉलम पहला आईडी है सही है, बॉर्डर स्टाइल नॉन है, यहाँ से बॉर्डर दे देते हैं सिंगल, एक बार हम उसको प्ले करते हैं, यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ सर्च करता हूँ, अब ठीक है सर, अच्छा आई आई नेम आ रहा है ना, कुछ कह रहा है पता क्या नेम मतलब क्या बोला आपने, नहीं। ये प्ले करिए इसे तो। सच अभी आया ठीक से। हाँ आईडी कुछ सच हो गया था। हाँ हाँ ओके।